वेलकम फ्रेंड्स, कैसी लग रही है सैंडविच? अच्छी लग रही है? चलो बनाना ही सीख ले रहे हैं इसको। ये देखिए, सैंडविच बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मतलब एलिमेंट्स, मतलब जो सामान चाहिए वो ये है। ये मैंने सूजी, दही, नमक और पानी का घोल बना लिया। सूजी हमने एक चम्मच ही ली है और एक चम्मच दही लिया है, और पानी के ये आप बैटर देख सकते हैं कितना बटला है। नमक स्वाद अनुसार ये हमने एक टमाटर काट के रख दिया है, देख सकते हैं आप। और ये एक चम्मच लगभग बेसन ले लिया है हमने, जिससे वो बंध जाए हमारा बैटर। और ये हमने एक बारीक प्याज काट ली है, देख सकते हैं। और ये एक छोटी छोटी बारीक मिर्च काट ली है हमने, और एक चुटकी थोड़ा सा हमने खाना सोडा लिया है, और ये अदरक चॉप्ड कर लिया है, काट लिया है। चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सूजी में हमने थोड़ा सा ये जो बेसन लिया था ना एक चम्मच, वो उसको कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के रख देंगे, तब हम अपना मसाला बना ले रहे हैं अंदर भरने का, सैंडविच की स्टफिंग मतलब। देखिए बस ये दो चीज़ें लगेंगी, आलू, ये तीन आलू ले लिए हमने, देख लीजिए। और ये मिर्च ले लिए हमने, 20 मिर्च निकाल दी क्योंकि बच्चे खाएंगे सैंडविच, चटपटी होती है इसलिए ज़्यादा मिर्च ना हो जाए बीच, क्योंकि ये आली मिर्च बहुत चटपटी थी। और देखिए कढ़ाई में हमने ये ऑयल गर्म कर लिया और मिर्च डाल दी, और ये राई डाल दी है। तो ये राई छिटकेगी, छिटकने के बाद राई फिर हम ये आलू मिला देंगे इसमें। देखिए आलू फोड़ के रख दिए, तीन आलू हमने, और इसमें हमने मिला दिए हैं। अब ये अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर इसमें हम नमक, दाल मसाला और चाट मसाला ऐड कर दिया, देखिए। और उसमें कसूरी मेथी डाल दी है, ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं इसकी जगह। ये ब्लैक सॉल्ट डाल दिया, ब्लैक सॉल्ट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये मेरा स्पेशल है, आप भी डाल के देखिए। आपने कहीं नहीं सुना होगा आलू में ये सैंडविच वगैरह में ब्लैक सॉल्ट डालते हो, आप बनाइए। चलो ठंडे करने रख देते हैं, अब तक हम अपना बैटर देख ले रहे हैं। 15 मिनट हो चुकी है, 15 मिनट ही रखना था बैटर हमें। अब ये हम इसमें खाना थोड़ा ऐड कर देंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच अपनी, तो खाना थोड़ा ऐड कर दिया है इसमें हमने। उसमें ब्लैक सॉल्ट क्योंकि ब्लैक सॉल्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और हम ये हेल्थ कॉन्शियस बना रहे हैं तो आप भी ब्लैक सॉल्ट ज़रूर यूज़ करिएगा। तवा गर्म हो चुका है, इस पर मैंने घी चारों तरफ लगा दिया है। अब बैटर आपको जिस शेप में करना है, रेक्टेंगुलर शेप में, सैंडविच रेक्टेंगुलर होती है तो आप रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, बट मैंने इसमें सर्कुलर किया। और ये आलू मैंने ठंडे होने का इस कटोरी में कर दिया, इसके हम लंबी सी टिक्की सी बना लेंगे जिससे कि हम इस पर रखेंगे। हाँ दोस्तों, इस पर रखेंगे। देखिए कितनी अच्छी बनती सैंडविच, स्पेशल सैंडविच है मेरी, आप ज़रूर बनाइए, खाइएगा। अब देखिए टिक्की रख दी, अब जो भी हमने बारीक कटा हुआ रखा था, हमारी हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, प्याज, धीरे धीरे सर करके सब कुछ रख देंगे। और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, अभी सरप्राइज़ आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ, सस्पेंस इसमें बहुत हैं। देखिएगा ये बस डालने के बाद सेक ही नहीं जाएगी, और कुछ भी किया जाएगा। देखिए प्याज, टमाटर जो आपको बताया था मैंने चॉप्ड करे रखे थे, वो सब कुछ हमने डाल दिया है। अब इसमें हमने कुछ नमक मसाला कुछ तो ऐड किया नहीं था, इसलिए हम इसके ऊपर एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। और हाँ दोस्तों, जब भी आप ये बैटर डालने के बाद गैस ऑफ कर, हाँ देखिए चाट मसाला डाल दिया, गैस ऑफ कर देना। हाँ ये बैटर डालने का दोस्तों, आप भी गैस ऑफ कर दें जैसे कि आप ये टिक्की बैटर अच्छे डाल रहे हैं। अब देखिए ये आ गए सस्पेंस, ये टिक्की डालने के बाद गैस ऑन कर दी, फिर आपने इसको पूरा कवर करना है, इसलिए हम इसको सैंडविच बोलते हैं, सूजी वाली बिना ब्रेड की है सैंडविच, है ना शानदार सैंडविच। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है और आपको सैंडविच खानी है तो ऐसे बनाइए, खाइए और आनंद उठाइए, क्योंकि बहुत अच्छी बनी थी सैंडविच। देखिए अब इसको हमने ढक दिया है क्योंकि भाप में से रखा है, क्योंकि नीचे से हल्की हल्की सिकती रहेगी हल्की गैस पे, और अंदर से सब्जी है हमारी जो सैंडविच की वो अच्छे सिक जाए, टमाटर हुई, प्याज हुई। अब इसको हम पलट दे रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा लग रहा है सिका हुआ, पलट दिया है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउनिश सिका है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है सिका हुआ। अब इसको दोबारा रख दे रहे हैं जिससे कि नीचे सिक जाए वो, बस नीचे सीखने के बाद पलट दिया है हमने। अब भी बस प्लेटिंग के लिए तैयार है, अब देखिए कितनी शानदार, कितनी फर्स्ट क्लास हमारी प्लेटिंग हुई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। आप भी बनाइए, खाइए, और दोस्तों ज़रूर बताइए कैसी बनी है, कमेंट तो आप करते ही नहीं है दोस्तों, कमेंट करके बताइए और नई नई रेसिपी बताइए मैं क्या बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।